हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ का एक फेमस डिश जिसको पताल का खोइला या टमाटर का खोइला जिसको बोलते हैं, वो हम बनाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का टमाटर का डिश होता है जहाँ पर इसको गरम कर करके कढ़ाई में इसको एकदम सूखा कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसको 2-4 महीने या 6 महीने बाद भी इसको खाने पर बड़ा मज़ा आता है। तो आज इसी डिश को हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। आज हमारे पास इतने सारे टमाटर हैं, तो इनमें से अच्छे अच्छे टमाटर को अलग करके छांट लेते हैं। अभी हम इस वाले पार्ट को निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि ये वाला काम करनी होता है। आप चाहे तो इसको कच्चा चटनी बना कर पीस कर भी इसको खा सकते हैं, लेकिन अभी इसको हमारे काम का नहीं है। तो अभी हम इस वाले भाग को काट देंगे, जो ये वाला भाग है, उसके बाद इसमें डाल देंगे। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको। टमाटर का ये वाला हिस्सा कच्चा होता है और इसलिए ये पकता भी नहीं है और खाने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको बेहतर है निकाल दें। तो ये पूरा बहुत सारा हो गया है और इसको अभी हम पकाना शुरू करेंगे। और पकाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर चूल्हा है, और इसी चूल्हा में हम लोग बनाएंगे। वैसे भी लकड़ी की आग से बने हुए कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, तो इसलिए हम लकड़ी का उपयोग करेंगे। और अगर गैस से बनाने जाएंगे तो बैंड बच जाएगी, क्योंकि बहुत समय लगता है। तो प्रोसेस बहुत स्लो है, लेकिन स्वाद उतना ही मज़ेदार होता है, तो इसलिए हम इस चूल्हे से बनाएंगे। ये देख सकते हैं, इसमें उबाल आना चालू हो गया है और इसमें कोई पानी नहीं मिलाया गया है। जो भी पानी रहता है टमाटर का रहता है, और बीच बीच में इसको चलाना पड़ता है। और शुरुआत में तो कम चलाने की ज़रूरत है, लेकिन जैसे जैसे पानी सूखते जाता है तो जलने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको चलाते रहना चाहिए। नवा नवा माया मोला होए हे, सुध बुध नहीं तो राहे ना, मन लागे न कहीं सनम, रतिहा नींद आए ना। तो अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है और हालत देख सकते हैं कितना मुश्किल है बनाना इसको। मेहनत बहुत लगती है, लेकिन यकीन मानिए खाने में बड़े मज़ेदार लगते हैं, और यही छत्तीसगढ़ के व्यंजनों की पहचान है। तो इसमें अभी यहाँ तक इतना सूख चुका है ये, और बेसिकली इसमें होता यह है कि इसमें पानी को सुखाना रहता है टमाटर में से पूरे, और भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि टमाटर का पूरा बैंड बजाना रहता है। लेकिन इसको बनाने वाले का बैंड बज जाता है, जैसे कि देख रहे हैं। लगभग 30% पानी सूख गया है इसमें से, अभी 70% पानी सूखना अभी और बाकी है। अभी लगभग 50% से ऊपर का पानी अभी सूख चुका है, और अभी और इसको करना है। 2 hours later अभी ये 90% लगभग हो गया है। अब ये लगभग हो गया है, अब इसमें हम लोग नमक ऐड करेंगे। तो अभी ये देख सकते हैं पूरा पक के रेडी हो गया है। अब इसको इसी आग में ऐसे ही रहने देंगे आज शाम तक, फिर उसके बाद कल इसको किसी दूसरे बर्तन में निकाल कर सुखा देंगे 1 दिन के लिए। फिर उसके बाद इसको किसी बर्नी या जार में हम लोग रख सकते हैं, और 1 साल तक लगभग इसको आराम से खाया जा सकता है। अगर मान लीजिए धूप नहीं होता है, तो आप इसको कढ़ाई में ही गर्म कर करके और ज़्यादा सूखा कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। इसको बनाने में करीब 5 घंटे लग गए, और इसको अगर गैस पे बनाए रहते तो ये करीब 7-8 घंटे लगता, जो बहुत देर हो जाता। तो इसलिए जहाँ तक हो सके कि इसको लकड़ी से ही बनाया जाए। तो लगभग ये 15 किलो का था,
और सूख कर 2-4 किलो का ही हो गया है, देखा आपने। लेकिन आप इसको थोड़ा थोड़ा करके आराम से खा सकते हैं, उसमें प्याज और मिर्ची डालकर। गर्मी के दिनों में ये बेस्ट होता है, छत्तीसगढ़ में ये अधिकतर खाया जाता है। और एक बात और बोलना था कि आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि अपने यहाँ तो इसको खोइला बोला जाता है, टमाटर सूखा बोला जाता है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है, मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।